शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 60 का डिस्कशन फॉर द टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का हमें वायर दिया गया है जिसमें करंट आई सप्लाई हो रही है और ये पॉइंट पी है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से है स्मॉल डी और इस पॉइंट पी पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर, साइन थीटा 1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 90 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू भी 90 डिग्री दी हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन थीटा 1 की मतलब 90 डिग्री प्लस साइन थीटा 2, थीटा 2 इज अगेन 90 डिग्री। तो पी एट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd 1 प्लस 1। तो इट्स कम्स आउट बी एट पी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। दिस इज अवर आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।